हेलो गाइज, माय नेम इज शिवम मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनआईटी सूरतकल के बारे में। एंड इस वीडियो में हम एनआईटी सूरतकल के अलग अलग ब्रांचेज की कट ऑफ हम सब देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने सीएससी एंड ईसी का क्या कट ऑफ जाता है एनआईटी सूरतकल के लिए, उसके ऊपर मैंने पहले से वीडियो बना के रखा हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पर आ रहा होगा, आप वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। एंड आज की इस वीडियो में हम मेनली एनआईटी सूरतकल के चार ब्रांचेज के ऊपर बात करने वाले हैं। फर्स्ट आईटी ब्रांच की क्या कट ऑफ जाती है, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच की क्या कट ऑफ जाती है, इसके अलावा सिविल ब्रांच की एंड इसके अलावा मैकेनिकल ब्रांच की क्या कट ऑफ जाती है एनआईटी सूरत कल के लिए, उसके ऊपर हम सब बात करने वाले हैं। सो यार, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं कट ऑफ से रिलेटेड कुछ बातों को क्लियर कर देना चाहता हूं, जिससे आपको आगे वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाए। ये जो मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूं, ये लास्ट ईयर का कट ऑफ है। इसके अलावा ये जो कट ऑफ होने वाला है, ये जूसा के लास्ट राउंड का कट ऑफ है, मींस सिक्स्थ राउंड का कट ऑफ मैं आपके साथ शेयर यहां पे करने वाला हूं। इसके अलावा हम सब सारे ही कैटेगरीज का कट ऑफ यहां पे देखेंगे, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी। एंड इसके अलावा ये जो कट ऑफ होने वाला है, ये आपका जेंडर न्यूट्रल का कट ऑफ यहां पे होने वाला है। इसके अलावा हम सब होम स्टेट के लिए क्या कट ऑफ जाता है, इसके अलावा अदर स्टेट के लिए क्या कट ऑफ जाता है, उसके ऊपर भी हम सब बात करने वाले हैं। एंड अब हम सब बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में मैंने कौन सा रैंक यूज किया है, सीआरएल रैंक या कैटेगरी रैंक, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है, तो उसको भी मैं क्लियर कर देता हूं। जो जनरल कैटेगरी से बच्चे बिलोंग करते हैं, उनके लिए उनका सीआरएल रैंक होगा, एंड बाकी जितनी भी रिजर्व कैटेगरीज बच जाती है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी, वो उनके लिए रिस्पेक्टिव कैटेगरी रैंक वहां पे होने वाला है। सो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। बात करें एनआईटी सूरतकल की, तो ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था 1960 में। लोकेशन की बात करें तो मैंगलोर कर्नाटका में ये कॉलेज सिचुएटेड है। कैंपस एरिया के ऊपर बात करें तो 300 एकर्स का काफी बड़ा कैंपस है, एंड काफी लेस ग्रीन कैंपस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात करें इंस्टीट्यूट टाइप का, तो एक टाइप का गवर्नमेंट कॉलेज है। एंड अब हम सब बात कर लेते हैं रैंकिंग के ऊपर। तो इसको एनआईआरएफ इंजीनियरिंग में 10 रैंकिंग दी गई है, जो कि 2022 का है। इसके अलावा बात करें एनआईआरएफ में ओवरऑल रैंकिंग का, तो इसको 27 रैंकिंग दिया गया है। इसके अलावा बात करें हम सब मोड ऑफ एडमिशन को लेकर, कि आप यहाँ पे कैसे एडमिशन ले सकते हो। सो आपका यहाँ पे जो एडमिशन है, जेएमएस के रैंक के बेसिस पे होता है, वाया जोसा काउंसलिंग, मीन आपको जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, एंड वहाँ पे आपके जेएमएस के रैंक के बेसिस पे आपको वहाँ पे एडमिशन होता है। इसके अलावा अगर जोसा में कुछ सीट से वैकेंट रह जाते हैं, जो कि रहती हैं, देन उसके लिए सीसेप राउंड का स्पेशल राउंड वहाँ पे कराया जाता है, जिसके बेसिस पे आपको वहाँ पे एडमिशन हो सकता है। एंड अब हम सब बात कर लेते हैं फी स्ट्रक्चर का, मीन एनआईटी सूरतकल का क्या फी स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर हम सब बात कर लेते हैं। बात करें ट्यूशन फी का, देन 1.4 लाख पर ईयर आपका यहाँ पे सिर्फ ट्यूशन फी लगने वाला है। एंड हॉस्टल फीस का बात करें, देन 13,240 रुपीज आपका पर ईयर यहाँ पे सिर्फ हॉस्टल फीस लगेगा। एंड इसके अलावा मेस फी का बात करें, देन 36,000 पर ईयर आपका यहाँ पे सिर्फ मेस फी लगने वाला है। एंड अब हम सब बात कर लेते हैं फी वेवर का, मीन स्कॉलरशिप आपको क्या क्या दी जाती है एनआईटी सूरतकल में, उसके ऊपर हम सब बात कर लेते हैं। अगर आप एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इन तीनों में से, देन आपको यहाँ पे ट्यूशन फी में 100% फी वेवर देखने को मिल जाता है। मींस आपकी जो ट्यूशन फी लगने वाली है 1.4 लाख पर ईयर, ये आपका बिल्कुल माफ हो जाएगा, मींस आपका 0 रुपीज वहां पे देना पड़ेगा। पर जो स्कॉलरशिप आपको मिलती है, सिर्फ ट्यूशन फी मिलती है। इसके अलावा जो अदर फीस है, जैसे कि हॉस्टल, मेस या जो भी अदर इंस्टीट्यूट फी लगेगा, वो आपको वहां पे करना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें जनरल ओबीसी के लिए भी 100% ट्यूशन फी वेवर का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया। अगर उनके जो पेरेंट्स की इनकम है 1 लाख पर एनम से कम है, देन उनको वहां पे 100% स्कॉलरशिप दिया जाएगा जनरल और ओबीसी कैटेगरी वालों को। इसके अलावा एक और ऑप्शन है 2/3 रिमिशन का ट्यूशन फी में। अगर जनरल ओबीसी के जो पेरेंट्स हैं, उनकी जो इनकम है 1 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में वैरी करती है, मीन 5 लाख से कम रहती है, देन उनको वहां पर 2/3 रिमिशन दिया जाता है ट्यूशन फी में। एंड ये जितने भी मैंने स्कॉलरशिप आपको बताया, सिर्फ ट्यूशन फी में आपको मिलेगी, मीन जो 1.4 लाख आपका लगने वाला था उसमें ही आपको मिलेगी। बाकी जो अदर फीस होते हैं, जैसे कि हॉस्टल हो गया, मेस हो गया एंड अदर जितनी भी फीस हो गई आपकी, वो आपको वहां पे करना पड़ेगा। एंड अब हम सब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट्स का, कि एनआईटी सूरतकल का क्या प्लेसमेंट्स जाता है, उसके ऊपर हम सब बात कर लेते हैं। बात करें हाईएस्ट पैकेज का, देन 51.5 लाख का यहाँ का हाईएस्ट पैकेज है। एंड एवरेज पैकेज का बात करें तो 11 लाख से लेकर 12 लाख के बीच में वेरी करता है। एंड अब हम सब बात कर लेते हैं इस वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट का, वो है कट ऑफ। पहले हम सब आईटी ब्रांच का कट ऑफ यहाँ पे हम सब देख लेते हैं, इसके बाद इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल का धीरे धीरे हम सब देखेंगे। बात करें होम स्टेट में जनरल कैटेगरी के लिए, देन 4072 रैंक तक यहाँ पे क्लोज हो गया था आईटी ब्रांच में एडमिशन। इसके अलावा बात करें होम स्टेट में ओबीसी कैटेगरी के लिए, देन 2790 रैंक तक यहाँ पे क्लोज हो गया था। वहीं बात करें अदर स्टेट में जनरल कैटेगरी के लिए, देन 1933 रैंक तक यहाँ पे क्लोज हो गया था। एंड इसके अलावा बात करें अदर स्टेट में ओबीसी कैटेगरी के लिए, देन 662 रैंक तक यहाँ पे क्लोज हो गया था। एंड अब हम सब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का क्या कट ऑफ जाता है एनआईटी सूरतकल में, उसके ऊपर हम सब बात कर लेते हैं। बात करें होम स्टेट में जनरल कैटेगरी के लिए, देन 8267 रैंक तक यहाँ पे क्लोज हो गया था। वहीं बात करें होम स्टेट में ओबीसी कैटेगरी के लिए, देन 5027 रैंक तक यहाँ पे क्लोज हो गया था। इसके अलावा बात करें अदर स्टेट में जनरल कैटेगरी के लिए, देन 7315 रैंक तक यहाँ पे क्लोज हो गया था। एंड इसके अलावा बात करें अदर स्टेट में ओबीसी कैटेगरी के लिए, देन 2827 रैंक तक यहाँ पे क्लोज हो गया था। बाकी अदर कैटेगरीज का आप चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। एंड अब हम सब बात कर लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग का, मीन सिविल इंजीनियरिंग कितने रैंक पे क्लोज हो गया था एनआईटी सूरतकल में, उसके ऊपर हम सब बात कर लेते हैं। बात करें होम स्टेट में जनरल कैटेगरी के लिए, देन 33471 रैंक तक यहाँ पे गया हुआ था। इसके अलावा बात करें होम स्टेट में ओबीसी कैटेगरी के लिए, देन 12484 रैंक तक लास्ट ईयर क्लोज हुआ था। इसके अलावा बात करें अदर स्टेट में जनरल कैटेगरी के लिए, देन 19187 रैंक तक क्लोज हो गया था। एंड ओबीसी कैटेगरी का बात करें अदर स्टेट के लिए, देन 6270 रैंक तक यहाँ पे क्लोज हो गया था। ये जो मैं आपको रैंक बता रहा हूं,
रहा हूँ जनरल कैटेगरी के लिए, वो उनका सीआरएल रैंक है, एंड बाकी जितनी भी अदर कैटेगरीज बच जाती है वो उनका रिस्पेक्टिव कैटेगरी रैंक है। एंड अब जो लास्ट ब्रांच है इस वीडियो का वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके लिए क्या कट ऑफ जाता है, क्या क्लोजिंग रैंक से जाती है एनआईटी सूरतकल में, उसके ऊपर हम सब बात कर लेते हैं। बात करें होम स्टेट में जनरल कैटेगरी के लिए, देन अराउंड 16,000 के करीब यहाँ पे क्लोज हो जाता है। वहीं बात करें होम स्टेट में ओबीसी कैटेगरी के लिए, देन 7,500 तक यहाँ पे क्लोज हो जाता है। बात करें वहीं अदर स्टेट में जनरल कैटेगरी के लिए, देन 11,458 रैंक तक यहाँ पे क्लोज हो गया था, मीन्स 12,000 के अंडर आपका रैंक यहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा बात करें अदर स्टेट में ओबीसी कैटेगरी के लिए, देन 4,288 रैंक तक यहाँ पे क्लोज हो गया था। ये जो मैंने आपको रैंक बताई है लास्ट ईयर के कट ऑफ यहाँ पे होने वाले हैं, सो अगर आप इसके आसपास भी लेके आ पाते हो सो आप यहाँ पे सेफली एडमिशन ले लोगे, क्योंकि कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता हर साल यहाँ पे कट ऑफ में, मीन्स आप 100-200 ऊपर नीचे लेके आ सकते हो, सो आपका यहाँ पे इजिली एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। सो यहाँ पे मैंने डिटेल में एनआईटी सूरतकल के चार ब्रांचेस की क्या कट ऑफ जाती है उसके ऊपर मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। इसके पहले मैंने सीएससी एंड ईसी दोनों के ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड इसके अलावा अगर आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज के ऊपर कट ऑफ चाहते हो ना मुझे कमेंट में बता सकते हो। एंड होप करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।